दिल इनका किडनी की बीमारी की वजह से पेशाब पूरा निकलता नहीं। जब पूरा पेशाब नहीं निकलता है तो शरीर में पानी जमा होता है, तो दिल में पंप करने के लिए पानी ज्यादा जमा होता है, इसलिए दिल फैल गया। तो दिल के दो मेन हिस्से फैल गए, इनके फैलने की वजह से उनकी पावर कम हो गई, जैसे रबर बैंड फैल जाता है। दिल के ऊपर जोर पड़ा इसलिए फैल गया। अब उसके ऊपर जोर कम रखना है, उसके लिए क्या होगा कि पानी कम पी के शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना पड़ेगा, तो ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा। दूसरा, धड़कन देखनी पड़ेगी, अगर धड़कन तेज होगी तो जो कमजोर दिल है उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो ज्यादा काम करेगा तो और थक जाएगा, है ना। तो दिल की धड़कन को भी मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको कम करके रखना पड़ेगा। धड़कन कम कब होगी, जब दिल के ऊपर पानी का लोड कम होगा, थोड़ा सा उससे भी होगी, और धड़कन की एक दवाई देंगे उससे कम होगी, ठीक है ना। अब आप वो दवाई लेके घर पे क्या करोगे, रोजाना सुबह एक बार शाम को एक बार रेस्ट करके रिलैक्स करके आपकी रेस्टिंग स्टेट में दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर क्या रहता है उसका रिकॉर्ड बनाएंगे, जी बिल्कुल ठीक है। फिर इनके कितना पानी टोटल पी रहे हैं उसका हिसाब रखेंगे, शरीर का वजन तो नहीं बढ़ रहा उसका हिसाब रखेंगे। अगर शरीर का वजन बढ़ रहा है मतलब शरीर में या तो चर्बी ज्यादा हो रही है या पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है कि नहीं, पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, या जो भी हो, वजन अगर 5 किलो बढ़ जाएगा तो दिल पे लोड बढ़ेगा, समझे। तो शरीर से चर्बी कम करनी है, पानी कम करना है, धड़कन बीपी कंट्रोल करना है, उसे मॉनिटर करना है, समझ गए। जी।